कितना बड़ा पागल हूँ, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालती, अब मेरी वजह से रो रही होगी। एक काम करता हूँ, मैं उसे फोन कर लेता हूँ। हेलो शगुन मामा, आप क्या हुआ, इतने डिसअपॉइंटेड क्यों साउंड कर रहे हो? किसी और का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं। आई एम श्योर तुम आलिया का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे होगे, बट वो थोड़ा बिजी है। अपने अप्पा को तुम्हारी कंप्लेन कर रही है, उन्हें बता रही है कि कैसे तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। इज एवरीथिंग ओके बेटा? मॉम आपको इस बारे में कुछ नहीं पता है तो आप प्लीज मत बोलिए, और वैसे भी मैं आप पे विश्वास नहीं करता कि वो अपने अप्पा से मेरी कंप्लेन कर रही होगी। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी आदि? अगर मैं इफ आई वाज लाइंग तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारा और आलिया का झगड़ा हुआ है? मैंने उन्हें बात करते हुए सुना एंड मुझे बुरा लग रहा था कि वो मेरे बेटे की कंप्लेन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करके पूछती हूँ इफ एवरीथिंग इज फाइन। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके बाय। किस स्टूपिड है क्या यार आलिया, अपने अप्पा से जाके हमारे झगड़े के बारे में बताने की क्या जरूरत है उसको? भाई साहब ये सोहेल का गोडाउन है, सोहेल साहब का एनिगमा जी, सोहेल साहब का फोन आया था कि आप लोग आने वाले हो, तो आपके लिए ये गोडाउन खाली करवा। अंदर से देख सकते हैं जी? भाई साहब ये सिर्फ एनिगमा एंटरटेनमेंट का ही गोडाउन है या कोई और कंपनी भी है सोहेल साहब? नहीं जो है बस यही है, जब से कंपनी लॉस में चल रही है तब से गोडाउन ऑलमोस्ट बंद है। अच्छा, उसके पापा आते रहते हैं यहाँ पे? मैडम उनके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं। ओके थैंक यू। आप लोग देखिए मैं गेट हूँ जी। मैं कुछ बहुत सी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पे दोनों काम चलते हैं उसके एनिग्मा का भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ होते हुए दिख नहीं रहा मुझे। और मैंने उसने अपने पापा का बताया कि वो साइकेट्रिस्ट है, उनकी क्लिनिक भी वहाँ नहीं थी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो क्लिनिक वहाँ नहीं थी लेकिन ये गोडाउन तो लेजिटिमेट है, एड्रेस उसने दिया था। हाँ एंटरटेनमेंट कंपनी तो शायद इंटरनेट पे कुछ ना कुछ पता चली जाएगा। एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ तो होगी पॉपुलैरिटी उसकी भी। एनिग्मा एंटरटेनमेंट राइट, यहाँ भी बेसिक है, यंग स्मार्ट बिजनेसमैन है, माँ बाप फैमिली के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लिखा है म्यूजिक का शौक है। एंड रमन उसने जिस हिसाब से हमें वो 10 लाख रुपए का चेक निकाल के दे दिया था, हमें तो लग रहा था बड़े फ्लरिश कर रही होगी उसकी कंपनी, और वॉचमैन कह रहा है कि लॉस में जा रही है कंपनी, तो कुछ मुझे क्या लग रहा पता है? क्या लॉस में होने के बावजूद अगर उसने इतनी बड़ी रकम हमें दी है, I'm sure he has a motive behind this.